मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं नोरमैक्सिन टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे, क्या नुकसान है, इसमें पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग पेप्टिक अल्सर में भी आपको डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों नर्वस डिस्पेशिया होना उसमें भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों गैस्ट्राइटिस होना उसमें भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या दोस्तों इरिटेबल पास्टिक्स कोलन होना उसमें भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, मुकस कोलिटिस होना उसमें भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, एक्यूट इंट्राकोलाइटिस होना उसमें भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों पेट की कंडीशन को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर आप यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों मसल्स को ठीक करने के लिए भी आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है, हाथों का जो इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में भी इसको यूज करवाने की सलाह आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जान है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों ये थी नोरमैक्सिन टैबलेट की इंफॉर्मेशन से जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।